हेलो फ्रेंड, मैं विकास और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल साइबरट्रॉन में। और आज हम लोग जानेंगे कि कैसे हम लोग फिल्मोरा सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर सकते हैं, रजिस्टर कर सकते हैं लाइसेंस के साथ, वो भी लाइफ टाइम के लिए। तो आइए चलिए सीखते हैं। वेलकम बैक फ्रेंड। सबसे पहले जानते हैं कि हमारा सॉफ्टवेयर जो है वो कैसे बैन होता है। तो हम लोग चलते हैं, रन करते हैं अपने सॉफ्टवेयर को। रन करने के बाद हमारे सामने ये विंडो खुला है जिसमें लिखा हुआ है फुल फीचर्स मोड। चलिए हम लोग इसे भी ऑन करते हैं। ये देखिए, अब ये सॉफ्टवेयर जो है पूरी तरीके से खुल चुका है और यहाँ पर एक मैसेज आया हुआ है जिसमें लिखा हुआ है कि प्रोडक्ट एक्टिवेशन फेल्ड, योर ईमेल हैज़ बीन बैन। तो यानी कि हम जो पहले रजिस्ट्रेशन की जो यूज़ किए थे वो हमारा बैन कर दिया गया है, क्योंकि हम लोग नेट से जिस समय हम लोग नेट कनेक्शन करते हैं वो वेरीफाई हो जाता है, और वेरीफाई के बाद वो बैन हो जाता है। तो चलिए इससे पता करते हैं कि इसके बाद हमें क्या प्रॉब्लम होता है। तो सबसे पहले चेक करते हैं कि रजिस्टर जो किया हुआ था वो मेरा है कि नहीं है। यहाँ पर देखिए, यहाँ क्लिक करके देखते हैं कि ये हमारा लाइसेंस नहीं है। अब हम बताते हैं कि इससे हमें प्रॉब्लम क्या होती है। तो सबसे पहले हम किसी फाइल को एक्सपोर्ट करते हैं। ये देखिए, एक्सपोर्ट करने के बाद अगर लाइसेंस रद्द हो जाती है तो उसमें हमारा कुछ इस तरह का वीडियो वाटरमार्क्स आ जाती है, जबकि यहाँ पर रजिस्टर के बाद इस तरह का वीडियो। चलिए अब हम लोग आपको डाउनलोड कर बताते हैं कि किस तरह से आप फुल फीचर्स के साथ इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप डायरेक्ट उस डाउनलोड लिंक पर जा सकते हैं जहाँ से आप उस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए हम लोग चलते हैं सर्च विंडो में और वहाँ से डाउनलोड करते हैं सॉफ्टवेयर फिल्मोरा। तो मैंने यहाँ से कॉपी किया इस लिंक को और अपने सर्च बार में सर्च कर दिया। हम लोग के पास कुछ इस तरह का विंडो सर्च होने के बाद कुछ इस तरह का विंडो ओपन होता है, जहाँ पर 5 सेकंड का वेट करने के लिए कह रहा है। देखिए, हमारा ये सॉफ्टवेयर खुल गया है उसका फिल्मोरा का ऑफिशियल साइट। तो हम लोग इसे डाउनलोड करते हैं। यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन है, चलिए हम लोग इसे डाउनलोड में लगा देते हैं। इस ऐड को स्किप कर देते हैं, यहाँ पर कुछ आएगा विंडो, इसे हम लोग हटा देते हैं, स्किप कर देते हैं इसे भी। ये हमारा IRR फाइल जहाँ पर हमारा क्रैक फाइल है, इसे भी डाउनलोड में लगा देते हैं। ये देखिए, हमारा जो फाइल है वो यहाँ पर रखा हुआ है। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग सेटअप को इंस्टॉल करेंगे। इसमें कुछ टाइम लगेगा क्योंकि यह सॉफ्टवेयर सबसे पहले फिल्मोरा के ऑफिशियल वेबसाइट से कनेक्ट होता है और वहीं से वो डाउनलोड होता है और इंस्टॉल होने लगता है। तो हम लोग चलिए वीडियो को कुछ फॉरवर्ड करते हैं और फॉरवर्ड करके आगे बढ़ाकर देखते हैं। दोस्तों, हमारा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं हमेशा आपको इसी तरह का वीडियो लाता रहूँगा और आपके हर प्रॉब्लम को
दूर करने का कोशिश करता रहूँगा। इंस्टॉल करने में टाइम लग सकती है क्योंकि हमारा सब टाइम लग सकती है क्योंकि वो इंटरनेट के कनेक्शन के ऊपर है, जो जितना फास्ट कनेक्शन रहेगा उतना स्पीड से उसका डाउनलोडिंग हो जाएगा। हमारा ये फाइल देखिए, ये चलिए डाउनलोड हो चुका है, इसे चलिए ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद हमारा ये विंडो खुल चुका है। फिर चलिए हम लोग उसका ट्रैक फाइल जो है उसे हम लोग इंस्टॉल करते हैं। तो चलते हैं पहले क्रैक फाइल के पास जहाँ पर फाइल डाउनलोड हुआ है। फुल फीचर मोड में जाकर इसे ऑन कर देते हैं। हमारे सामने कुछ इस तरह का विंडो खुल चुका है। यहाँ देखिए रजिस्ट्रेशन अभी हुआ नहीं है, यहाँ पर देखिए अनरजिस्टर्स का साइन आ रहा है, रेड से मार्क किया हुआ है। चलिए हम लोग देखते हैं कि रजिस्टर के लिए कहाँ पे ऑप्शन आ रहा है। यहाँ देखिए ब्लैंक है, यहाँ से हम लोग ट्रायल वर्जन डाउन कर सकते हैं, खरीद सकते हैं या रजिस्टर कर सकते हैं। चलिए आइए हम लोग रजिस्टर करते हैं। तो हम लोग पहले फिल्मोरा के क्रैक फाइल में जाकर इसमें दो तरह का फाइल आएगा, इसमें सबसे ऊपर वाले फाइल को क्लिक करते हैं और इंस्ट्रक्शन पढ़ते हैं। हाँ दोस्तों, तो ये देखिए इंस्ट्रक्शन में लिखा हुआ है कि हम लोग एक फाइल है जिसे हम लोग कॉपी कर सी ड्राइव के विंडो सिस्टम और ड्राइवर में जाकर डालना पड़ता है। ये फाइल है वो, इसे हम लोग यहाँ से कॉपी करते हैं। कॉपी कर सबसे पहले कहा जा रहा है विंडो वाले फोल्डर पर जाकर उसे डालने के लिए। तो पहले जाते हैं सी ड्राइव के विंडो मिल गया है। फिर उसके बाद हम लोग को सिस्टम 32 फोल्डर के अंदर जाने के लिए कहा जा रहा है, सिस्टम 32। ETC फोल्डर जो है इस पर जाने के लिए कहा जा रहा है, देख लेते हैं एक बार। या ETC में जाने के लिए बोला जा रहा है। हम लोग यहाँ पर पहले से भी वो फाइल यहाँ पर पहले से भी मौजूद है, तो भी हम लोग यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। चलिए ये हो गया रजिस्टर। अब हम लोग लाइसेंस से रजिस्टर करते हैं। यहाँ पर बहुत सारे लाइसेंस दिया हुआ है, इसमें से किसी का भी आप यूज़ कर सकते हैं अपने सॉफ्टवेयर को रजिस्टर करने के लिए। तो चलिए हम लोग इसी में से किसी एक का यूज करते हैं। तो हम लोग अपने रजिस्टर फाइल में गए, यहाँ से लाइसेंस ईमेल कॉपी करते हैं। यहाँ से कॉपी कर लाइसेंस ईमेल में जाकर पेस्ट करना पड़ता है। फिर हम लोग रजिस्ट्रेशन कोड को भी कॉपी करेंगे, उसी रजिस्ट्रेशन कोड को कॉपी करना पड़ेगा जिसमें हम लोग लाइसेंस ईमेल का कॉपी किया हूँ। चलिए इसे भी यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। बाद ये रजिस्टर हो जाएगा, नोटिफिकेशन आएगा हमारे सामने। ये देखिए नोटिफिकेशन आ गया है, वंडर शेयर फिल्मोरा हैज़ बीन रजिस्टर्ड। चलिए हमारा फाइल रजिस्टर हो चुका है। अब हमें आराम से हम लोग इस सॉफ्टवेयर का लुफ्त उठा सकते हैं। इसमें आइए सबसे पहले देखते हैं कि इस सॉफ्टवेयर में क्या क्या फीचर्स है, एक बार देख लेते हैं कि हमारा जो रजिस्टर फाइल है, ये देखिए रजिस्टर हो चुका है। आइए तो हम लोग देखते हैं इसमें किसी फाइल को इंपोर्ट कैसे करेंगे, यहाँ से करेंगे, फिर उसके बाद
यहाँ से हम लोग का रिकॉर्ड है जो हम लोग प्रोग्राम वर्ल्ड वॉलपेपर डिफॉल्ट सॉन्ग डिफॉल्ट टेक्स्ट ट्रांजिशंस ट्रांजिशंस फिल्टर ओवरलेज ओवरलेज बहुत सारे दिया हुआ है एलिमेंट्स फिर आई होप कि आप हमारे वीडियो की हेल्प से आसानी से डाउनलोड कर पाए होंगे और इसे लाइफ टाइम के लिए रजिस्टर कर पाए होंगे। तो भी अगर इंस्टॉल करने में या इसे एग्जीक्यूट करने में परेशानी आ रही होगी तो आप हमारे कमेंट बॉक्स पर जाकर कमेंट कर सकते हैं, या आपको किसी और तरह का वीडियो का रिक्वायरमेंट होगा तो आप कह सकते हैं, ठीक है। और प्लीज़ आप सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब के बाद बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। और इसके बाद हम लोग फिल्मोरा कैसे ऑपरेट करते हैं, इसे कैसे यूज करते हैं, उससे रिलेटेड एक वीडियो बनाने वाला हूं। तो आप लोग अगर इंटरेस्टेड हैं तो वो भी बहुत जल्द मैं अपलोड कर दूँगा, आप उसे देख सकते हैं। तो थैंक यू।